हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियोस में हम मेन, मोड, मीडियन और मेन्स निकालना सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है ये देखिए। इस बार ग्राफ में हम किसी भी डाटा को कंपेयर करें। ओके, सो हमने ये एक एग्जांपल लिया है। इसमें क्या है, स्कूल का डाटा है। स्कूल में न्यू एडमिशन जो होते हैं हर साल वो बताए गए हैं। तो इसमें हम ये डाटा जो है इसमें स्केल्स लेते हैं। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हमने स्केल ली है। ये स्केल हम एक इमेजिनेशन के थ्रू लेते हैं। ये या तो हम 10, 20, लेकिन जो स्केल लेते हैं हम एक सेम डिस्टेंस पे लेना होता है। इस साइड हम क्या शो कर रहे हैं, नंबर ऑफ एडमिशन। एक स्कूल में जो न्यू एडमिशन आए हैं वो कितने हुए हैं और ईयर्स किस ईयर में कितने हुए हैं। ये अगर आप इस बार बार में क्या करते हैं, किसी भी डाटा को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये 2007 में एडमिशन लेते हुए थे 30, तो ये 30 हमें ग्राफ शो कर रहा है। उसके बाद 2008 में 50 न्यू एडमिशन हुए थे। न्यू एडमिशन यहाँ बता रहे हैं और ईयर्स बता रहे हैं किस ईयर में कितने एडमिशन। 2007 में 30, 2008 में 50, 2009 में कितने हो गए हमारे 40, 2010 में कितने हो गए, ये देखिए यहाँ से हमारे ग्राफ जा रहे होंगे। सिर्फ 10 एडमिशन हुए थे और 2011 में बता रहे हैं। 2009 में यहाँ से देखा तो 2011 में कितने एडमिशन हुए थे, 50। अब अगर हम एक डाटा कंपेयर करवाए कि किस ईयर में कितने एडमिशन हुए, तो जितने भी ईयर्स में देख और भी अगर उन्हें कंपेयर करवाए तो हम बार ग्राफ के थ्रू इजिली कंपेयर कर सकते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.3। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बार ग्राफ के थ्रू हमें ये दोनों क्वेश्चंस बताने हैं। ये जो है ये क्या है, यही है बार्स जो किसी भी चीज़ को शो करते हैं। ये देखिए, ये है पैट ऑन बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। क्लास 7 के स्टूडेंट के हम पैट से उनके बताएं, तो ये स्टूडेंट यहाँ स्टूडेंट्स हैं और ये एनिमल्स हैं। कितने स्टूडेंट के पास डॉग है, 8 स्टूडेंट्स के पास क्या है, डॉग। उसके बाद कैट्स, कैट्स कितने, 10 स्टूडेंट्स के पास हो गई। रैबिट्स हो गए हमारे 2 स्टूडेंट्स के पास। फिर हैमस्टर्स, हैमस्टर्स हमारा जो है ये बीच में आ रहा है, 6 और 4 के बीच में, तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई हमारी, 5। कितने हैमस्टर्स हो गए, 5। इसके बाद अदर्स एनिमल, अदर्स एनिमल कितने हो गए हमारे, 4 और 2 के बीच में आ रहे हैं। 4 और 2 के बीच में कौन सी वैल्यू आती है, 3। तो अदर्स एनिमल्स हो गए हमारे 3। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, विच इज मोस्ट पॉपुलर पैट, सबसे ज़्यादा कौन सा पैट है सबसे ज़्यादा, कैट है। देखिए बार क्या शो कर रहा है, कैट सबसे ज़्यादा है, कितनी है, 10। तो मोस्ट पॉपुलर एनिमल कौन सा हो गया हमारा, कैट। इसके बाद नेक्स्ट है, हाउ मैनी स्टूडेंट है डॉग एज अ पैट, कितने स्टूडेंट के पास डॉग्स हैं। देखिए हमने बार कहाँ है, 8 तक आ रहा है, तो कितने स्टूडेंट के पास डॉग्स हो गए हमारे, 8 स्टूडेंट्स के पास। ओके, तो इस सेशन में क्या था, बायोग्राफ रीड करना था। बायोग्राफ रीड करने के बाद हमें क्वेश्चन के आंसर दे रहे थे, सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेट कौन सा था, कैट। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि किस कितने स्टूडेंट हैं जिनके पास सबसे डॉग है, तो क्या आंसर क्या है हमारा, 8 स्टूडेंट। ओके, सो स्टूडेंट अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन बायोग्राफ। ये क्या है, क्लासेस दिए हैं 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10, और ये क्या दिए हैं, किस क्लास में कितने बच्चे हैं। 5th में 135, 6th में 120, 7th में 95, 8th में 100, 9th में 90 और 10th में 80। क्या करना है, सबसे पहले हमें रिप्रेजेंट द डाटा और बार ग्राफ, बार ग्राफ बना के शो करना है। एक साइड के आएंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन और एक साइड आएगी क्लास। पहले हम स्केल ले लेते हैं, 135 है, 5 है, हमने 10 की स्केल ले ली। 10 से हमने क्या करना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 और 140। इसके बाद क्लासेस कौन सी है, 5th to 10, ये भी सेम डिस्टेंस पे आएंगे और ये भी सेम डिस्टेंस पे। 5th के लिए 6th, 7th, 8th, 9th और 10। 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th.
शो करेंगे। फिफ्थ है हमारी 135, 135, 130 और 140 के बीच आएगा। ये वाला ग्राफ आ गया हमारा। ये वाला ग्राफ आ गया 135। नेक्स्ट है सिक्स हमारा 120। सिक्स वाला हमारे पास कितने का है? ये हो गया हमारा सिक्स का। इसके बाद है सेवन। सेवन है हमारा 95। 95 100 और 90 के बीच में आएगा। 95 का वाला ग्राफ बना दिया। ये हो गया हमारा सेवन का। फिर एट है हमारा, एट पे 100 है, 100 पोजीशन पे बना देंगे। फिर उसके बाद नाइन्थ है, नाइन्थ हमारा 90 पे है, यहाँ से बना देंगे 90। उसके बाद टेंथ, टेंथ क्लास का कितने स्टूडेंट है? 80। 80 से हमने ग्राफ बना दिया। ये हो गया हमारा टेंथ क्लास का ग्राफ। में ये इस साइड क्या हो गया? ये होगा हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये हो गई हमारी क्लासेस। बार ग्राफ में क्या शो करना था? एक साइड में क्लासेस दी थी और एक साइड में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए थे। हमने स्केल की 10 की, 10 से लेके 140 का देखा। इसके बाद हमने 5th, 6th, 7th, 8, 9, 10 सभी सेम डिस्टेंस पे आएंगी। ये हमने नीचे क्लासेस देनी है और ये हो गए हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उसी के अकॉर्डिंग 5th में हमारे 135 थे, हमने ग्राफ में शो कर दिया। 6th में 120 थे, ग्राफ में शो कर दिया। 7th में हमारे 95 थे, 95 100 और 90 के बीच में आता है, ये हमने शो कर दिया। 8th क्लास में हमारे 100 स्टूडेंट्स थे, शो कर चुके हैं हम। 9th में हमारे 90 स्टूडेंट्स थे, हमने ग्राफ के थ्रू शो कर दिया। और 10th में 80 थे, ग्राफ के थ्रू हमने शो कर दिया। इसके बाद अब हमसे इसमें क्वेश्चन पूछेंगे, ग्राफ को देख के हमें क्वेश्चन बताने। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू चूज अ स्केल? हमने स्केल कैसे ली थी? 1 unit = 10 स्टूडेंट। क्या कर रहे हैं हम? हर एक यूनिट के अंदर कितने 10 स्टूडेंट्स रख रहे हैं। ये 10, 20, 30, तो एक यूनिट कितनी हो गई हमारी? 10 स्टूडेंट्स की हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन और मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स किस क्लास में है? सबसे ज्यादा ग्राफ कौन सा बड़ा है? बार ग्राफ इसका बड़ा है 135। इसमें 5th क्लास में हमारे कितने स्टूडेंट है? 135। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो गए? 135 हो गए 5th क्लास में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सबसे कम चिल्ड्रन किस क्लास में है? सबसे छोटा बार ग्राफ कौन सा है? ये वाला 10th क्लास का। 10th कौन सा है? 80 है बार ग्राफ, 80 स्टूडेंट है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सबसे कम चिल्ड्रन किसमें हो गए? 10th क्लास में। कितने चिल्ड्रन होते हैं? 80। ये हो गया हमारे 80 स्टूडेंट 10th क्लास। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू क्लास 8। ओके, तो 6th और 8th के बीच में हमें निकालना है रेशियो। 6th क्लास में कितने स्टूडेंट है हमें चेक किए? 120। और 8th क्लास में कितने स्टूडेंट है? 100। इसलिए हमने 6th में हमारे 120 और 8th में 100। इन दोनों नंबर्स का हमने क्या निकालना है रेशियो? 120/100। 0 से 0 कैंसिल, दोनों 20 टेबल से कट जाएंगे। 2 5s and 2 6s and 12। रेशियो कितना आ गया? 6:5। क्वेश्चन क्या था? फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। रेशियो निकालना था क्लास 6 के स्टूडेंट क्लास 8 के स्टूडेंट के साथ। क्लास 6 में 120 थे और 8 में कितने स्टूडेंट थे? 100। दोनों का रेशियो निकाला, कितना आया? 6:5। समझ आया? तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।